जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर रुके टेक में। तो दोस्तों, जो ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ठीक है, तो उसकी तरफ से यहाँ पे जो आईटीआई वाले उनके लिए टेक्नीशियन के पोस्ट पर यहाँ पे अच्छा खासा वैकेंसी निकाला गया है। तो देखिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन से स्टेट के जो यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है, साथ ही इसका सिलेबस वगैरह पूरा डिटेल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही देखे ये वाला जो नोटिफिकेशन के पीडीएफ रहते हैं वो मैं डेली अपडेट करते रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, अगर उसको आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो चलिए बिना देर का स्टार्ट कर दे। तो देखिए ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, देखिए जो आपका ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से वैकेंसी है, आप देख सकते हैं ये जो डेट है आपका 8/4/2022 को ये जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया था। और देखिए कुल मिला के देखिए ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है, ये है आपकी रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन एंड जूनियर असिस्टेंट, दो पोस्ट के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कितना नंबर ऑफ पोस्ट है। तो देखिए इसमें जो आपका टेक्नीशियन का पोस्ट है तो उसमें देखिए कुल मिलाकर देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो देखिए उसमें 32 वैकेंसी है। फिर अगर एससी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बात करें वैकेंसी की तो देखिए उसमें एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 7, और देखिए आपको जो यस ईबीसी उनके लिए 4 है, यूआर के लिए 16 है, पीडब्ल्यूडी के लिए देखिए यहाँ पे 1 वैकेंसी, 1 सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 1 है, और जो आपका स्पोर्ट्स कोटा से यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो देखिए कुल मिला के कैटेगरी वाइज मैं आपको पूरा बताऊँ तो देखिए जो आपका जूनियर असिस्टेंट की सेकंड हमारी पोस्ट है तो उसमें देखिए कुल मिलाकर 10 वैकेंसी है, जो आपका एससी उनके लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी, फिर आपका जो एसटी है उनके लिए 2, एससी बीसी वालों के लिए 1, यूआर के लिए 5 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, फिर जो आपका पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन स्पोर्ट के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये तो देख लिया हमने वैकेंसी के बारे में, चले अभी देखते इसका जो ज्वाइनिंग है तो वो परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्टर, उसको भी एक बार देख लेते। तो देखिए जो पीरियड ऑफ इंगेजमेंट रिम्यूनरेशन, तो देखिए टू अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर कैरिंग अ कंसोलिडेटेड पे इंडिकेटेड एज बिलो। तो देखिए ये जो वैकेंसी आपका ये आपका जो ज्वाइनिंग के बाद देखिए आपको 6 मंथ के लिए देखिए 6 मंथ ने सॉरी 6 ईयर के लिए देखिए आपको जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको टेक्नीशियन की पोस्ट पर वो ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, यानी 6 ईयर जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो आपको टेक्नीशियन की पोस्ट पर वो क्या कर लेंगे आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्टली आपको जो है 6 ईयर का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ही रहना होगा, तो उसके लिए देखिए उसका सैलरी क्या रहना वो भी एक बार देख लेते। तो देखिए द कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी अपॉइंटेड एज अ टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर एंड दे मे कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इन द स्केल पे। देखिए आपका जो लेवल 5 का जो आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें देखिए 5200 से लेकर 20200 तक जो आपका पे मैट्रिक्स आपका रहने वाला है, ठीक है। फिर उसमें देखिए आपका पर ईयर वाइज देखिए आपका उन्होंने जो सैलरी बताया गया है, तो देखिए जब आप फर्स्ट ईयर में आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस टेक्नीशियन के पोस्ट पर आप रहेंगे तो उसमें देखिए आपका 13500 दिया जाएगा, फिर आपका देखिए सेकंड ईयर में आपको 14200, फिर आपका थर्ड ईयर में देखिए 14900, फोर्थ ईयर में 15600, फिफ्थ ईयर में आपको दिया जाएगा 16400, और जो आप सिक्स ईयर यानी लास्ट ईयर में रहेंगे तो आपको दिया जाएगा 17200, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए ये पूरा उनका सैलरी का उन्होंने डिटेल दिया हुआ है आपका 6 ईयर में कौन कौन सा की वर्ष किस किस तरह का सैलरी रहने वाला, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, ये तो हो गया आपका टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। तो अगर बात करें जूनियर जो आपका असिस्टेंट है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए तो उनके लिए भी कुछ इसी तरह से देखे आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इनका भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है पीरियड ऑफ 6 ईयर का ही है, फिर उनका भी जो सैलरी है उसी तरह से देखिए 5200 से 20200 के बीच में। अगर बात करूँ उनके पर ईयर के देखे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था पूरा उसी तरह का जो उनका सैलरी का डिवाइडेशन किया है पर ईयर वाइज। फिर देखिए अगर सबसे मेन बात अभी देखते हैं उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो देखिए जो आपका टेक्नीशियन का पोस्ट रहने वाला है तो उसमें देखिए एचएससी चाहिए या फिर देखिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कुल मिला के देखिए जो आपका आपको 12 चाहिए या फिर देखिए आपका जो एनसीवीटी है, ठीक है, एनसीवीटी का जो है आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आईटीआई का। तो इसमें कौन कौन सा आईटीआई मांगा गया, तो देखिए आईटी इंस्टीट्यूट रिस्पेक्ट इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल आईटी या आपका, ठीक है, सॉरी दोस्तों। तो देखना
तीन ट्रेड यहाँ पे मेंशन किया है, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक और आईटी ईएसएम, ठीक है। तो इस ट्रेड से अगर आप है तो टेक्नीशियन के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फिर देखिए आपका, उन्होंने बोला है कि जो आपका यूआर एंड एससीबीसी मिनिमम 50% थ्रू आउट कैरियर, और जो आपका एससीएसटी पीडब्ल्यू मिनिमम 45 थ्रू आउट कैरियर आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर बात करें जो आपका जूनियर असिस्टेंट है तो उनके लिए भी देख लेते हैं। तो देखें आपका ग्रेजुएट चाहिए, एटलीस्ट आपके देखे 50% मार्क आपके एग्रीगेट मार्क होने चाहिए। फिर देखें जो आपका कैंडिडेट मस्ट हैव पीजीडीसीए और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, ठीक है। और फिर देखें डिग्री इन कॉमर्स अकाउंटेंसी शॉल बी गिवन प्रेफरेंस। तो देखिए ये क्वालिफिकेशन हमने देख लिया आपका जूनियर असिस्टेंट का, लेकिन सबसे मेन बात आती है कि देखिए इसको कौन कौन से स्टेट के जो है कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए उन्होंने बोला गया यहाँ पे, मैं आपको हाँ ये देखिए ओडिशा पास सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी शी और ही, ठीक है, मस्ट बी एबल टू रीड एंड स्पीक ओडिया, ठीक है। तो यानी देखे कुल मिला के इन्होंने बोला है कि जो भी एक कैंडिडेट है तो उनको देखे जो आपको ओडिया लैंग्वेज है तो ओडिया लैंग्वेज आपको बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और आपका बोलनी, फिर देखे आपका पढ़नी चाहिए, फिर आपका लिखने में आनी चाहिए, यानी कुल मिलाकर देखे ओडिया जो लैंग्वेज है उनको यहाँ पे अच्छे से आनी चाहिए। फिर देखे उन्होंने बोला गया कि देखे पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया लैंग्वेज सब्जेक्ट, यानी देखे जो आपका टेंथ आप किए होंगे तो उसमें जो आपका ओडिया लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी है। तो देखिए कुल मिलाकर तो यही बात है कि आप जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ओडिशा से है, ठीक है, ओडिशा से है तो वही कैंडिडेट जो है इसके लिए इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, ठीक है। यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये पूरा हमने नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे पढ़ लिया, ये जो इसका एज है कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन वगैरह पूरा जो है मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही जो लेटेस्ट अपडेट था आपको देना था वैकेंसी के बारे में, तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा साथ ही कमेंट में भी लिखते चलना, अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना। और दोस्तों चैनल पर नए तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।